هدى للناس بينات من الهدى والفرقان والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزي به صدق <applause> الله مولانا العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين

अल्लाह के नबी आम ने जो बेशुमार हदीसें बयान फरमाई हैं उन हदीसों में एक हदीस ये है जिसमें अल्लाह के नबी आम ने फ़रमाया कि अल्लाह ये कहता है जब किसी हदीस में ये जुमला आता है अल्लाह ये कहता है तो उस हदीस को कहते हैं हदीस कुदसी हदीसों की अलग अलग अंदाज से अलग अलग तकसीमें की गई हैं उन तकसीमों में से एक तकसीम ये भी है अल्लाह के नबी आलामाम जब बात इर्शाद फरमाते हैं बराह रास्त उसमें किसी का रेफ़रेंस नहीं देते तो वह हदीस जैसे इन आमाल भी नद ये डायरेक्ट हदीस है इसमें अल्लाह के नबी आम ने किसी का हवाला नहीं दिया रेफरेंस नहीं दिया लेकिन कभी जनाब रसूल सल्स हदीस बयान करने से पहले अल्लाह का हवाला देते हैं कहते अल्लाह ये कहते हैं तो ऐसी बहुत सारी हदीसें हैं और वह हदीस की तमाम किताबों में जगह जगह होती हैं ऐसी हदीस को कहा जाता है हदीस खुदसी वो हदीस जिस हदीस में अल्लाह के नबी वसल्लम पहले अल्लाह का हवाला देंगे फिर वो बात बयान फरमाते हैं मसलन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यकूलुल्लाहु अल्लाह ये कहते हैं फिर आगे वो बात इरशाद फरमाई जाएगी तो ये जो हदीस इस वक्त पहले पढ़ी ये भी हदीस खुदी है के जनाब रसूल फरमाते हैं यकूल अल्लाह ये कहते हैं असोमली रोज़ा मेरे लिए है व अन अजीब ही और मैं ही इसका बदला भी दूंगा अब इसके बाद सवाल ये है कि आमाल तो सारे अल्लाह के लिए होते हैं नमाज भी अल्लाह के लिए है ज़क़़त भी अल्लाह के लिए है हज भी अल्लाह के लिए है तिलावत अभी अल्लाह के लिए सबका खैरात अल्लाह के लिए जो काम भी दुनिया में इंसान अखलास करे करेगा तो वह अल्लाह ही के लिए होता है और ईमान वाले से तो यही उम्मीद है कि हर काम अल्लाह के रजा के लिए करना चाहिए क्योंकि मशहूर हदीस बल्कि बुखारी शरीफ की पहली हदीस है इन न दारदार नीयत पर है तो हर अमल अल्लाह ही के लिए होना चाहिए अगर कीमती अमल है और अल्लाह के लिए नहीं है तो उस अमल का कोई फ़ायदा नहीं है यानी उस पर कोई अजर स्वाव नहीं मिला बल्कि सज़ा भी लग सकती है अगर किसी ने इबादत का कोई काम किया और अल्लाह के अलावा किसी और को राजी करने के लिए तो सज़ा लग जाएगी जैसे आपने सुना होगा कि क्यामत के दिन सबसे पहले तीन आदमी जहनम में डाले जाएंगे उन तीन आदमियों में से एक वो शख्स होगा कि जिसने कुरान पढ़ा होगा पढ़ाया होगा दीन दूसरों तक पहुंचाया होगा और चूंकि उसकी नीयत थी अपनी शहरत के लिए तो सजा लग जाएगी इसी तरह से वो आदमी जिसने सदका और खैरत किया होगा लेकिन शहरत के लिए किया होगा तो सज़ा लगेगी इस पर इसी तरह से जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हुआ होगा मगर उसने शहादत का वो रास्ता इख्तियार किया होगा शोहरत के लिए तो उसको सजा लग जाएगी तो तीन बड़े आमाल कुरान सदकात और शहादत इन तीनों अमलों पर सज़ा लग रही क्योंकि नीयत ठीक नहीं तो आमाल तो सारे अल्लाह के लिए होते हैं फिर अल्लाह के नबी आई ने यह क्यों कहा कि अल्लाह ये कहते हैं रोज़ा मेरे लिए है बाकी अमाल भी तो अल्लाह ही के लिए हैं तो जवाब यह है कि बाकी आमाल आम में इस बात का खदशा है कि इंसान दूसरों को दिखाने के लिए करेगा लेकिन रोजे में इस बात का को कोई इम्कान नहीं है कि इंसान दूसरों को दिखाने के लिए रोजा रखे क्यों नहीं यह इमकान है जवाब यह है कि अगर कोई इंसान अगर कोई इंसान दूसरों को दिखाने के लिए रोजा रखेगा तो दूसरों से कहता रहेगा मैं रोजेदार हूँ अंदर खाता रहेगा तो रोजेदार हुआ ही नहीं फिर लेकिन इसके बावजूद अगर कोई आदमी रोजेदार है और वह अकेले होने के बावजूद भी नहीं खाता पूछने वाला कोई नहीं देखने वाला कोई नहीं फिर भी नहीं कोई खा नहीं रहा है तो अब ये जो रोजा रख रहा है ये क्यों रख रहा है क्योंकि अल्लाह कहते है, इस मतब सिर्फ खालिश मेरे ही लिए है बस यहाँ से अब हमें बात समझनी है दुनिया में सही इंसान बनने के लिए सबसे कीमती दौलत सही ईमान बनने वाले के बनने के लिए सबसे कीमती दौलत जो है वह है अल्लाह का ध्यान यह अल्लाह का ध्यान अगर इंसान को हासिल हो गया तो उसके बाद फिर बेशुमार परेशानियों से बचेगा गुनाहों से बचेगा मुश्किल हालात में परेशान नहीं होगा मुसीबत आएगी तो न दिमाग में और न जुबान पर गलत जुमले आएंगे क्योंकि वह हर वक्त समझता है कि मेरा अल्लाह मेरे साथ है यह अल्लाह का साथ होने का तस्वुर इसको कहते हैं इसतज़ार इसको कहते हैं मईत इसको कहते हैं आदमी समझ रहा है कि हर वक्त मेरा अल्लाह मुझे देख भी रहा है मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है लिहाजा मैं गलती नहीं करूँगा मेरा अल्लाह मेरे साथ है लिहाजा मैं घबराऊंगा नहीं यही कैफियत पैदा होने के यही कैफियत जब पैदा हो जाती है तो उसके बाद फिर ये इंसान दुकान पर बैठेगा तो गलती नहीं करेगा ये इंसान दफ्तर में बैठेगा तो जुल्म नहीं करेगा ये इंसान सड़कों से चलेगा तो उसकी आँख गलत नहीं देखेगी बस ये कैफियत पैदा हो जानी चाहिए कि हर वक्त मेरा मुझे देख रहा है ये पै कैफियत पैदा होना आसानी है बहुत मुश्किल लेकिन जो ही ये कैफियत पैदा हो जाएगी तो उसके बाद फिर इंसान का सही इंसान बनना बहुत आसान है फिर तो गुनाह में जाकर भी इंसान अपने आप को गुनाह से बचा लेगा क्यों इसलिए उसको तस्वुर यह है कि मेरा अल्लाह मुझे हर वक्त मुझे देख रहा है यह बात अल्लाह तला शाह कुरान करीम में जगह जगह अलग अलग अंदाज से फरमाते हैं मसा अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम इन इंसानों इन, से छुप सकते हो मुझसे तो नहीं छुप सकते यून मेरा वाला इस्ताखून मेरा तुम इंसानों से छुप तो इंसानों ने छुपित तुम इंसानों से छुप सकते हो मुझसे नहीं छुप सकते लेकिन तुम्हें फिक्र होती है कोई इंसान हमें देखना नहीं चाहिए लेकिन इसकी फिक्र नहीं होती है कि मैं तो देख रहा हूं और मुझसे तुम अपने आप को छुपा भी नहीं सकते या अल्लाह ताला शाहनु फरमाते हैं वह हुआ माकुम आई नमा तुम तुम जहां भी रहो मैं तुम्हारे साथ साथ हूं तुम जहां भी हो मैं तुम्हें देख रहा हूं तुम जहां भी हो मुझसे तुम छुप नहीं सकते वह हो मा आया कुन तुम

तुम अर्जुन अदीम वो लोग जो बिल्कुल अधेरे में अकेलेपन में वहाँ कोई नहीं है वहाँ भी अल्लाह से डर रहा है कोई मुझे देख नहीं रहा मगर मैं अल्लाह तो मुझे देख रहा है इन बेशक वो लोग यकन डरते हैं रब अपने रब से बिल गईब वहाँ जहाँ देखने वाला उनको कोई नहीं वलीमन खौफ मकाम और रबी ही जन्नतान जो अल्लाह के सामने खड़े होने का डर अपने अंदर रखे हुए हैं अल्लाह मुझे देख रहा है मुझे अल्लाह के सामने खड़ा होना है इस वजह से वो उन बुराइयों से अपने आप को बचा लेता है जिन बुराइयों के करने बुरा उसके पास असबा भी जमा है मौका भी है वसाइल हैं रोकने वाला कोई नहीं रुकावट कहीं नहीं है तो गोया किसी भी बुरे काम को करने के उसके पास तमाम वसाइल हैं इसके बावजूद तो अल्लाह के डर के बिना पर उसने अपने आप को बचा लिया तो अल्लाह तला फरमाते इसके लिए मैं दो दो जन्नतें अता करूंगा तो ये जो कैफियत पैदा हो जाती है कि अल्लाह मुझे देख रहा है मैं अल्लाह से छुप नहीं सकता हूं अगर यह कैफियत पैदा हो गई तो मेरे भाई उसके बाद फिर ना इंसान मुसीबतों में कभी घबराएगा ना इंसान परेशानियों में कभी मायूस होगा बल्कि समझ मेरा अल्लाह मेरे साथ है मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है मैं मुश्किल में फंसूंगा तो मेरा अल्लाह मेरी मदद करेगा और अगर गुनाह करने का वक्त आएगा तो इंसान अपने आप को गुनाह से रोकेगा ये यह रोजे का आम तरीन मकसद वह चौबीस घंटे इंसान क्या मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है मैं धोखा नहीं दे सकता और अकेले में भी रोजा नहीं तोड़ता है एक अभी अपने घर में है घर वाले जो हैं वो किचन में हैं ये चुपके से जा कर के फ्रिज से पानी की बोतल निकाल कर पिएगा जूस निकाल कर के पिएगा दुकान से केले लाएगा दुकान वालों से कहेगा मैं घर के लिए ले जा रहा हूँ और उसके बाद फिर घर आकर के या गाड़ी में बैठ के या मस्जिद के घुसर में जाकर केले खाए तो कौन देखेगा लेकिन तो इसके बावजूद अगर कोई इंसान रोज़ा नहीं तोड़ता है तो वह इसके अंदर कैफियत पैदा होगी हर वक्त अल्लाह मुझे देख रहा है इस रोजे की हालत में भी अल्लाह मुझे देख रहा है मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा जिस गलती की वजह से मेरा रोजा खराब हो जाए और इसलिए बचाता है रोजे को और भूख लगी है फिर भी नहीं खाता प्यास लगी है फिर भी नहीं पीता हती कि बीमार है और बीमारी की वजह से तड़प रहा है कहता है रोज सावे वो बकर बर्दाश्त तो शाम तक वो रोजे को बर्दाश्त कर लेता है दर्द रहता है अभी चंद दिन पहले एक साहब कह जी मुझे कोई दर्द है और बहुत सख्त दर्द है तो डॉक्टर कहते हैं कि तुमको पैन किलर की दवाई लेनी पड़ेगी मगर मैं कहता हूँ कि नहीं मैं बर्दाश्त कर लूँगा अभी तीन चार घंटे तक तो इंजेक्शन क्यों नहीं लेते हो इंजेक्शन लेने में कोई एलर्जी है या क्या है मैं लेकिन मैं दवाई खाऊँगा लेकिन मैं बर्दाश्त करूँगा तीन चार घंटे तक तो तड़पता रहा वो बर्दाश्त करता रहा लेकिन नहीं तो कौन सी चीज़ मजबूर करती है इंसान को ये जब ये कैफियत पैदा हो जाएगी तो उसके बाद इंसान का हाल क्या होगा इसकी आंख गलत इस्तेमाल नहीं होगी इसकी ज़ुबान गलत नहीं चलेगी ये किसी का पैसा हड़प नहीं करेगा ये किसी को धोखा नहीं देगा इसको इसको हर वक्त ही एहसास होगा कि मेरे हर अमल का मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है मुझे जवाब देना है इसकी बेशुमार मिसालों में से एक बड़ी खूबसूरत मिसाल जो किताबों में मिलती है और हम लोग आमतौर पर बयान करते हैं वह हजरत उमर फारूक और रजाल तुन का वाक़ कि जब हजरत मर फारूक अमीर उमनिन थे अमीर उमनिन थे और वो एक जंगल से गुजर रहे थे साहबा साथ थे साहबा आगे निकल गए हजरत अमीर उलम या तो इतफ़ाक़न पीछे रह गए या प्लान के साथ पीछे रहे और उसके बाद फिर आगे जब उस मैदान में पहुंचे हैं साहबा आगे निकल चुके थे तो वहाँ इस मैदान में एक चरवाहा बकरियां चरा रहा था वो नहीं पहचानता था कि अमीर उमोन फारूक आज़म है हैं अब हरत मर फारुक रजील उसको सलाम किया उसने कहा वालेकुम सलाम इसने कहा देखो भाई मैं मुसाफिर हूँ मुझे भूख लगी है तो बकरियों में से किसी बकरे का दूध निकाल कर मुझे पिलाओ तो हजरत फारूक आजम रज़ी अल्ला इस पेशकश पर उसको तो नहीं मालूम था ये फारूक आजम है उसने जवाब में कहा कि जनाब बकरियाँ मेरी नहीं हैं वो मालिक कहीं और है तो उसकी बकरियों का दूध निकाल मैं कैसे तुम्हें पिलाऊंगा हज़रत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तौर ने कहा ठीक है फिर एक काम करो मैं ऐसी तब्दीर बताता हूँ कि मेरा काम भी हो जाएगा तुम्हारा काम भी होगा उसने कहा कहिए कहा एक बकरी मुझे बेच दो तुमको पैसा मिलेगा बकरी मुझे मिल जाएगी मैं अपनी बकरी का दूध निकाल कर पीऊँगा तुमको पैसा मिल जाएगा बाद में जब मालिक तुम्हें कहेगा बकरी कहाँ गई तुम कहना भेड़िया खा गया और भेड़िया तो खाता ही रहता है नुकसान तो होता ही रहता है बकरियों का बस यह हजरत फारूक आजम ने कहा तो उसने कहा या अल्लाह ओ भाई साहब बकरी के मालिक को तो मैं ये कहूंगा कि भेड़िया बकरी खा गया मगर ऊपर अल्लाह को क्या कहूंगा वो तो मुझे देख रहा है बस ये है वो कह दिया था फारूक आजम ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह अलहमद उम्मत में जब ये कैफियत बाकी है तो अब इसको कोई चीज़ दुनिया से नहीं रोक सकती तो इससे गुनाह सादिर नहीं हो सकेगा तो ये जो कैफियत पैदा हो जाए किसी तरह से कि अल्लाह में हम हम रव समझे अल्लाह मुझे देख रहा है मैं अल्लाह से छुप नहीं सकता मेरे एक्शन भी अल्लाह के सामने हैं मेरे दिल में जो ख्याल आ रहा है वो भी अल्लाह को देख रहा है मैं अपनी आंख से जो कुछ देख रहा हूँ किसी को पता नहीं है पर मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है मैं अगर किसी से हाथ से टच करता हूँ तो किसी को पता है या नहीं लेकिन अल्ण, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है इस तरह किस किस तस्वूर के साथ किस इंटेंशन इंटेंशन के साथ इसने दूसरे को टच किया है मैंने अगर कोई पैसा कमाया है तो किस तरह से मैंने पैसा कमाया किसी को नहीं मालूम मैंने फ्रॉड किया लेकिन अल्लाह को तो मालूम है मैंने अगर कहीं हिसाब में गड़बड़ की जैसे दुकानदारों में बाज़ दफ़ा क्या मुसीबत होती है यहाँ मसूरत कश्मीर के माशरे में यह है क्या साहब लोगों का पैसे खा जाना हिसाब का बे गड़बड़ करना दुकानों पर जो सेल्समैन है वो चुपके से चीजें उठाएंगे दफ्तरों में जो फ्रॉड होते हैं वो सब ये जितने ये माली फ्रॉड होते हैं इन तमाम माली फ्रॉडों की वजह क्या है कि अल्लाह का खौफ नहीं है अगर ये अल्लाह का खौफ होगा इंसान भूखा रहना पसंद करेगा गलत तरीके से पैसा नहीं खाएगा इंसान भूखा रहना पसंद करेगा फ्रॉड नहीं करेगा बस अल्लाह का डर पैदा हो जाना चाहिए और यह अल्लाह का डर ईमान का अहम तरीन हिस्सा है और अगर यह कैफियत पैदा हो वरना ईमान ईमान वाले हैं लेकिन अलग एहसास ही नहीं कि आदमी की हालत ये होती है कि तो मुझे, को मुझे देखना नहीं चाहिए बस इसकी फिक्र तो है इससे बचने के लिए तब्बी भी करता है दाएं बाएं भी देखेगा लाइट ऑफ करेगा कैसे को उसमें पता लगुन हालांकि इंसानों को अगर पता लगेगा तो वो क्या करेंगे और जिसका सबसे ज्यादा डर होना चाहिए अल्लाह मुझे देख रहा है उसे छुप नहीं सकते और उससे छुपने की कोशिश भी नहीं करते और कोशिश करेंगे तो छुप भी नहीं सकते हैं लेकिन जब अल्लाह का डर नहीं होता है तो इंसान यही करता है। दुनिया में तमाम बुराइयों की बुनियाद अल्लाह का खौफ ना होना है। तमाम बुराइयों के बुनियाद अगर अल्लाह का खौफ है इसके बाद इस इंसान को न किसी किसी तबके को कोई किसी का कोई खतरा नहीं किसी फोरम का कोई खतरा नहीं ना किसी इंसान के जरिए से नहीं अल्लाह का डर हकीकत यह है अल्लाह का डर अगर इंसान के अंदर पैदा हो गया तो यह के अंधेरे में वहां भी गुनाह नहीं करेगा मजमे आम में वहां भी गुनाह नहीं करेगा कुर्सी पर बैठकर वहां भी जुर्म नहीं करेगा जहां तमाम लोगों के सामने ये कर सकता था तो नहीं करेगा किसी का डर है या नहीं लेकिन अल्लाह का डर है तो गुनाह नहीं हो सकेगा क्योंकि अल्लाह का डर इंसान को रोक कर रखता है हज़रत फारूक आजम रज मतलब तिनका उठा करके कहा काश में यह तिनका होता तो क्या मकसद मुझे कोई हिसाब नहीं देना पड़ता मुझे कोई हिसाब ही नहीं देना पड़ता हालांकि फारूक आजम रजील् तो वो शख्स हैं तो वो शख्स हैं फारूक आजम रजी अल्लाह वो शख्स हैं कि जिनका न जाने कितनी मरतबा सिंध अल्लाह के नबी आई सामने जन्नत की खुशखबरी सुनाई सिद्धिकबर खलीफुलमस्तिमी बन गए खलीफा बन गए उसके बाद निकले वो बाजार में कपड़ा बेचने के लिए ताकि वोरे फारूक आप क्यों जा रहे हैं कह लगे घर का खर्चा चलाना है कह लगे आप खलीफ तो मुस्तमीन बन गए आप जब बिजनेस करने के लिए निकलोगे तो निज़ाम कौन चलाएगा कह लगे भाई ठीक है मगर आखिर घर का खर्चा भी तो चलाना है हरफ आरुक आज़म रज़ी तम तो ठीक है चंद साहबा को जमा करके बिठाया और कहा भाई खलीफलमस्तमिन तो की तनख्वा तय करनी है चाहे तनख्वाह तय की गई ये आपकी तनख्वाह है वो तनख्वाह बस इतनी थी जिससे मुश्किल से घर का खर्च चलता था तेज उनके अहलिया ने कहा कि इतना ज़माना हो गया हम सत्तू में नमक मिला करके खाते हैं मुश्किल से कभी रोटी लाते हैं उसके रोटी पका कर खाते हैं मीठी चीज़ हमने खाई नहीं तो कब जी चाहता है कि थोड़ा हलवा बनाएंगे अब सिद्दीक अकबर जला ने कहा कि मेरे पास तो इसके अलावा कोई पैसा नहीं है वही जो तनख्वाह आती है बस वही है बीवी ने कहा ठीक है फिर उसे थोड़ा थोड़ा पैसा बचाया एक एक दो दो पैसे बचाए यहां तक कि एक डेढ़ महीने के बाद उन्होंने हलवा तैयार किया तो अहराधा सिद्दीक अकबर तनफा में यह हलवा कहाँ से आया उन्होंने कहा कि वो मैंने थोड़ा थोड़ा पैसा बचाया और उसके बाद फिर उसके हलवा तैयार किया तो सिद्ध अकबर रजी ने फौरन मैं ये हलवा नहीं खा सकता इसका मतलब यह हुआ कि इतना पैसा हमारे घर में तनख्वा के नंबर ज्यादा आ रहा है तो उसी वक्त तो उन्होंने तनख्वाह देने वाले अफसर को पर्चा भेज दिया कि मेरी तनख्वाह में इतनी कटौती कर दो यह फारूक आजम रजी अलह की तनख्वाह थी उस तनख्वाह से घर के खर्चे मुश्किल से चलते थे और फारूक आजम रजी बिल्कुल कमजोर हो गए थे तो हजरत अली रजी अल्ला तो ने चंद साहबा से मशवरा करके कहा भाई अमीर उमोनी की तनख्वाह थोड़ी बढ़ाएंगे देखो कितने कमजोर हो गए हैं ये उनको वक्त का खाना भी नहीं मिलता है लोगों ने कहा बिल्कुल ठीक है हम तो तैयार हैं मगर ये मानने भी चाहिए पहले चाहे उन्होंने डिसाइड कर दिया कि अमीर उमोनी की तनख्वाह को इजाफा कर दिया जाता है और इतनी तनख्वाह इनको दी जाएगी उसके बाद फिर हजरत अली रजा ने कहा तनख्वाह का, का हमने इजाफा कर लिया मगर ये तो मानेंगे ही नहीं उन्होंने कहा मनवाने के लिए बहुत मशवरा करना चाहिए कैसे मनवाएंगे तो मशवरा यह हुआ कि हरत फारूक आजम रजा की बेटी हजरत हफ् जो जनाब रसूल के जौ महतम है उनके जरिए से इतला भिजवाएंगे चौरा जहाजा हफ् रज़ी के पास लोग गए कहा आप उमर मुमिन हैं फारूक आजम की बेटी है आपकी बात शायद मान लेंगे हमारी तो नहीं मानेंगे चौड़ा जहाजा हफ् पहुंची और अमीर उमोन रजिया फ़ौर खड़े हो गए एहतराम में क्योंकि वो बेटी भी है मगर हजूर की बीवी है इसलिए उमुल मुन होने के हाथियत एहतराम किया तो हजरत हफ्ज का अमिरमन मैं आपकी खिदमत में आई हूँ साहबा ने आपकी तनख्वाह में इजाफा कर दिया है और मुझे आपकी खदमत में भेजा आपका कबूल करना होगा तो हजरत फारों के आजम एकदम गुस्से हो गए कह लगा हफ् काश्त तुम किस मुसलमानों का कोई मसला लेकर के आई थी मेरे पेट का मसला लेकर आई और आप मुझे कहती हैं कि तनख्वाह कबूल कर लें यह बताओ मदीने के हर घर में पेट भर करके खाना लोगों को मैसर है उन्होंने कहा हम कैसे कह सकते हैं हर घर में पेड़ कहा जब तक मदीने के हर घर में पेट भर करके खाना मौजूद नहीं होगा मैं तुम्हारी इजाफी तनका कबूल नहीं कर सकता मुझे अल्लाह के यहाँ जवाब देना है रोजे का अहम तरीन पैगाम ये है कि हमारे अंदर ये कैफियत पैदा हो जाए कि मैं हर वक्त मुझे मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है ये दो चीज़ें अगर हमारे अंदर पैदा हो गई तो बहुत बड़ी नमत हासिल हो गई एक ये ये एहसास पैदा हो जाए कि मेरा ये जिसम मेरे तमाम हाल रिकॉर्ड कर रहा है और कर रहा है इसमें कोई शक ही नहीं है इंसान का जिसम इंसान के तमाम अमल रिकॉर्ड कर रहा है क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला साहब ने तीन जगह ये इरशाद फरमाई कि रिकॉर्डिंग चल रही है तुम्हारा ये जिसम तुम्हारे सारे अहम को रिकॉर्ड कर रहा है तुम अपनी जुबान से जो बोल रहे हो यही जुबान कल को इसकी गवाही देगी तुम अपने कानों से जो सुनोगे तुम्हारी जुबान बोलेगी इसने क्या सुना तुम अपनी आंखों से जो देखोगे तुम्हारी जुबान बोलेगी इसने क्या क्या देखा तुम अपने पाओं को जहां के लिए चलाओगे तुम्हारी जुबान कल बोलेगी इसने कहा चलाया था इनको तुम अपने हाथों से जो जो भी एक्शन जो जो काम करोगे तुम्हारा तुम्हारी जुबान क्या मन और तुम्हारी खाल जिस जिसको टच करेगी तुम्हारी खाल जिस जिसको टच करेगी ये खाल का लफ्ज़ कुरान में आया है हैदा मा जाऊ शहीदारी तो तूम सम दी गवाही तुम्हारी खाल गवाही देगी वह ली जुनू दी हम और इंसान अपनी खाल से क्या कर ले वो शहीद तुम्हारा लेना तूने मेरे खिलाफ गवाही क्यों दे दी काहलू अनतोल सही बोलने की सलाह पैदा करना अल्लाह के कुदरत में है अल्लाह किसी भी इंसान के अंदर जो जबाम व मामूली गोश का टुकड़ा है अल्लाह ताला के अंदर बोलने की सलाह पैदा करता है और बेशुमार इंसान नहीं बोल पाते हैं तो गरज ये कि बोलने की सलाहियत पैदा करना यह अल्लाह की कुदरत में उसी ने मुझे कहा बोलो तुम भी तो इंसान का जिसम रिकॉर्डिंग कर रहा है और अल्लाह हर वक्त इंसान को देख रहा है रमज़ान का मैसेज यही है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं रोजा जब तुम तो मेरा डर तुम्हारे पास है मुझे मुझे याद रखे भी हो रात के अंधेरे अंधेरे में तुम्हारे घर के अंदर कोई तुम्हें देखने वाला नहीं है इसके बावजूद तुम उसके बावजूद तुमने न खाया न पिया क्यों नहीं खाया किसी इंसान को डर नहीं था कोई मेरा डर था तुम्हें और तुम चाहते थे हमारा मेरा रोज़ा अच्छे से अच्छा हो जाए इसलिए अल्लाह फरमाते हैं रोजा जब भी इंसान रखता है मेरे लिए रखता है इसलिए रोजे के का खास इनाम तो मैं ही अता करूँगा बस हम कोशिश करें अपने अंदर ये कैफियत पैदा हो जाए कि मैं जहां भी रहूँगा मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है हम चाहे अपने घर में हो दफ्तर में हो सड़क में हो बाज़ार में हो दुकान में हो हर वक्त ये समझे मैं अल्लाह से छुप नहीं सकता मेरा अल्लाह मेरे एक एक एगेक्शन को देख रहा है मैं अगर कोई चीज़ मोबाइल में देख रहा हूँ तो मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है ये क्या देख रहा है मैं अगर मोबाइल में कोई चीज़ सुन रहा हूँ तो मेरा समझ मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है मैं क्या कर रहा हूँ हम सड़क पर आकर गुजर रहे हैं और किसी को नहीं पता मैं किसको क्या देख तो ख्याल यहा है कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है तुम क्या कर रहे हो हम अगर दफ्तर में या दुकान में कोई भी फ्रॉड कर रहे हैं चाहे वो हिसाब किताबों का फ्रॉड कर रहे हों चाहे चीज़ें इधर उधर करने का फ्रॉड कर रहे हों उस वक्त ख्याल आ जाए कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है अगर ये कैफियत पैदा हो गई तो ये अलामत है ईमान की यह अलामत है एक तो ईमान है हमारे रहे हैं और दूसरे बेशुमार उन बुराओं से जिनसे बचना इंसान को मुश्किल है फिर बचना बहुत आसान हो जाएगा अल्लाह ताली शेर यही कैफियत पैदा फरमाए और इस कैफियत के पैदा होने पर अल्लाह बहुत खुश होते हैं कहते हैं ये इंसानों के डर की वजह से मेरे डर की वजह से छोड़ा और होता भी यही अगर अल्लाह के डर की वजह से कोई मजेदार काम जो गुना था मगर मजेदार और छोड़ दिया तो अल्लाह फरमाते मेरा वादा है कि मैं तुम्हें इससे ज्यादा मजेदार काम और हलाल चीज अता करूंगा तुमने एक मजा छोड़ा मेरे हुक्म की वजह से मेरा डर की वजह से तुम कहीं से पैसा कमा सकते थे मेरा डर की वजह से तुमने नहीं कमाया यहीं इसी शहर में एक साहब जो वफात हो गई है उन्होंने मुझे एक दफा मसला पूछा क्या लगे हमारे पास एक बड़ा ऑर्डर आया है बड़ा ऑर्डर कई करोड़ रुपए का और कई करोड़ के ऑर्डर में उसको एक नाजायज काम भी करना था तो उन्होंने जब मुझसे मस्ता पूछा मैंने कहा नाजायज है कहने लगा बहुत बड़ा ऑर्डर है बहुत बड़ा नफा हो जाएगा तो मैंने कहा इसमें यह ये ना, ये चीज नाजायज है क्या लगा उसने बलाई तेरे बला मारो लेकिन उसके दो या तीन तीन महीने के बाद उनको उससे बड़ा ऑर्डर उससे हलाल तरीके से आया और जितना पहले हराम जरिए से जो पैसा कमाने की उम्मीद थी उससे डबल पैसा कमाया हलाल जरिए से और खुद मुझे कहा क्या लगा खुदा इनको रजीब मैंने कहा ये तो उस वक्त जो तुमने हराम छोड़ा उस हराम के बल्देन अल्लाह तुम अल्लाई इसी शहर में ये वाक़ हुआ बाकी बहुत सारे लोग शायद बल्कि मुमकिन उनका कोई आदमी यहाँ होगा भी जिस घर में ये वाक़ हुआ है गरज़ ये कि अल्लाह के डर अल्ला से किसी इंसान किसी हराम से बचे अल्लाह के डर से इंसान किसी आने वाले पैसे को धक्का मारे क्योंकि वह हराम था अल्लाह के डर से इंसान ने अपनी आँख को अपनी ज़ुबान को काबू में रखा तो अल्लाह ताली शाह मुतबाद लाजमन अता करते हैं यह अल्लाह का वादा है बस कोशिश करें हर वक्त अल्लाह को दया में रखें अल्लाह को याद रखें अल्लाह का डर दिल में बैठा कर रखें और यह नमत अगर हासिल हो गई तो यही ईमान की आम तरीन सिफत है वबाना अनिल्लाबी आलमिन बेरहमत क्या ररह